सेवा करनी है, तो ईश्वर ने उसको गुरुजी से मिलाया। गुरुजी के भाव हमारे परिवार में आ गए और हम सब आपके सामने और आप हमारे सामने। अपने आप को कैसे हील करें, अपने शरीर को
अपने आसपास से जुड़े हुए पारिवारिक लोगों को और अपने आसपास के वातावरण को। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आपको आपके पावर से परिचित करा के आपके द्वारा ही आपको हील करूंगा, जिसका अनुभव आप में से एक एक व्यक्ति करेंगे। पहली चीज, तीन चीज बहुत मुश्किल है, थ्री थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। पहली चीज मनुष्य योनि का मिलना, उसके बाद मनुष्य योनि का मिलने के बाद दूसरा कुछ नॉलेज की कुछ ज्ञान की बात सुनने का मौका नहीं, ये भी दुर्लभ है। और तीसरा सबसे दुर्लभ, उस सुने का ज्ञान को, उस सुने का नॉलेज को अपनी बुद्धि को एकत्र करते हुए उसको अपने ऊपर अमल करना। सामान्यता बड़ी सहजता से हम मनुष्यों में मिल गई, जो चीज सरलता से मिलती है नॉलेज सुनने के बाद मौके मिल जाते हैं। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि जो तीसरी दुर्लभ चीज है कि जो सुने गए ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करना, तो आज अप्लाई करने का काम आप करेंगे, नहीं तो यहाँ से नॉलेज आपको सप्लाई कर दूंगा, उसको आप एक एक जगह अप्लाई करेंगे। और अगर आप अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, इसमें हित आपका ही, क्योंकि आपकी समस्या से आपको ही लड़ना है, कोई दूसरा व्यक्ति आके नहीं लड़ेगा। ना किसी हम सफर, ना किसी हम लकी से निकलेगा, अपने पांव का काटा खुद ही से निकलेगा। तो आइए जाने अपने अंदर की शक्ति, आप तो स्वयं एक शक्ति पुंज है, आप अपने आप में पूर्ण एक गुरु हैं। गुरु मत अंधकार, गुरु मत प्रकाश, एक ऐसा तत्व जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आए। तो अभी मैं डेली सेशन लूंगा बनाने के लिए, मैं आपको बोलते जाऊंगा, कुछ गाइड करते जाऊंगा, मैं आपके नजदीक भी आऊंगा, बस मेरी आवाज के साथ अपने आप को उठाने। हो सकता है आसपास की आपकी बुद्धि इस बादल बने, लेकिन दो मिनट के लिए दूर करके आप उसके साथ इसको अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, इस बदल आंखें बंद कर लें। जिसको सबसे अधिक प्यार करते हैं उसका चेहरा आंखों में अपना ध्यान अपने शरीर के अंगों पर लेकर आए। पहले राइट हैंड पर, बस राइट हैंड। मुको कहाँ मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कांत निवास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना मस्जिद।
उससे पहले सबको पता था, मुझको जो लोग देखते थे, कि मेरी दोनों किडनियाँ फेल हैं, मैं डायलिसिस पे हूँ। 8 मंथ्स के बाद मैं आपके सामने हूँ। कोई जब तक मैं किसी को बताऊँ ना कि मेरी 4 साल से डायलिसिस हो रही है, तब तक किसी को पता नहीं चला। 7 साल टोटल। और ये गुरुजी की वजह से है कि मेरी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सिर्फ 2 दिन मेरी जो डायलिसिस होती है उसको छोड़ कर। 15 दिन से मम्मी या 15-20 दिन से मम्मी तब मेरी लगातार वेंट सपोर्ट पे थी, मेंटल सपोर्ट पे थी। और जिस दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा था, वही दिन ही PGI में CCM से उन्होंने वेंट सपोर्ट से वेन ऑफ करने की कोशिश शुरू की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतने दिन वेंट सपोर्ट पे रहना, उसके बाद पेशेंट का इस्तेमाल निकलना, वो भी 3 दिन बाद ही मुझसे कृष्णा जी ने पूछा कि अब आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। और तब मम्मी की मेरी मतलब उस दिन वेंट सपोर्ट से हटाया गया और ये सिलसिला चलता रहा। ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास जप में ना मैं तप में ना मैं बरतू पा।